मेरे YouTube फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन जो है बहुत ही आसान है बनाना। ये डिज़ाइन 20 रोज़ में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना डिज़ाइन हमारा 20 रोज़ में कवर हो जाएगा। और सिर्फ आप एक ही सिलाई बनाएंगे और उसी सिलाई की तरह ही सारी सिलाइयाँ हैं। उल्टी साइड की जितनी भी रोज़ हैं सारी की सारी उल्टी हैं। जाली वाले फंदे जितने भी पड़ेंगे वो भी उल्टे बनाने हैं उल्टी साइड पे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है। देखिए जालीदार, अगर आप लेडीज़ कोटीज़ के लिए, कुर्ताज़ के लिए, कार्डिगन्स के लिए कोई डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं तो आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 10 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद हम 7 फंदे और लेंगे एक्स्ट्रा। तो चलिए आज इस डिज़ाइन को बनाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 27 फंदे लिए हैं। 10 के मल्टीपल में मैंने यहाँ पे 20+7 फंदे लिए हैं। 7 फंदे में से 5 फंदे हमारे डिज़ाइन में आ जाएंगे और 2 फंदे जो बच जाते हैं वो हमारे एज स्टिचेस होंगे। तो ये पैटर्न जो है 20 रोज में जो है 20 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ एक ही सिलाई आपको इस पर ध्यान देने वाली है, बाकी सारी सिलाइयाँ वैसे की वैसी ही हैं। तो ये हम फ्रंट साइड पर शुरू करेंगे। और ये देखिए एज स्टिच हम स्लिप कर लेंगे। फिर हमने 5 फंदे जो हैं वो सीधे निट करने हैं। 4 5 5 फंदे सीधे निट करने के बाद हमने जाली इस तरह से ले लेनी है। इस तरह से जाली लेने के बाद हम एक फंदा जो है वो सीधा बना लेंगे। सीधा बनाने के बाद अब देखिए एक फंदा, अब हमने 3 फंदों पे डिज़ाइन डालना है। तो इसके लिए हम पहले सबसे पहले पहले ये जो सीधा फंदा है इसे स्लिप करेंगे। फिर बाकी 2 फंदों को हमने इकट्ठा बनाना है। और फिर ये जो हमने स्लिप किया था फंदा, ये हम इस पर इस तरह से उतार देंगे। तो ये हमने 3 फंदों पर जो है इस तरह से डिज़ाइन डालना है। 3 फंदों का यहाँ पर एक सीधा फंदा बनाना है। उसके बाद हमने एक फंदा सीधा बनाना है और उसके बाद डालेंगे हम यहाँ पे जाली। और उसके बाद 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5 5 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम डालेंगे यहाँ पे जाली। एक फंदा हमने सीधा बुनना है और यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक करना है। तो ये इस तरह से स्लिप करेंगे और इन 2 फंदों को पहले सीधा बनाएंगे इस तरह। और फिर ये स्लिप किया हुआ फंदा हम इसके ऊपर उतार देंगे। ये हम इस तरह से 3 फंदों को यहाँ पे इकट्ठा एक फंदा यहाँ पे बनाएंगे। उसके आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर डालेंगे यहाँ पे जाली। आगे 5 फंदे हमारे सीधे आएंगे। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद हमारा ये एज स्टिच बच जाता है, इसे हम सीधा बुन लेंगे इस तरह। तो ये हमारी रो 1 है। उल्टी साइड की सारी रोज़ जो हैं वो सारी की सारी उल्टी बनानी है, जितनी भी आएंगी इस तरह से। जो जाली वाला फंदा है वो देखिए, जैसे जाली वाला फंदा ये है, इसे हमने इस तरह से उल्टा बनाना है। जितने भी जाली वाले फंदे आएंगे उल्टी सिलाई पर उन्हें हम इस तरह से बना लेंगे। और उल्टी सिलाई देने के बाद जैसे हमने सीधी सिलाई बनाई है, हमने इस सिलाई को 4 और बार रिपीट करना है। ये रो 1 और रो 2, पूरी की पूरी उल्टी, इनको हम 4 बार रिपीट करने के बाद फिर हम अपना आधा पैटर्न जो है वो चेंज करेंगे। तो पहले हम इस रो 1 और रो 2 को 4 और बार रिपीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने रो 1 सीधी साइड पर जो रो 1 बनाई थी वैसे ही उसको 4 बार और रिपीट किया है सीधी साइड से। और उल्टी सारी सिलाइयां जो है वो उल्टी बनाई हुई हैं। तो इस तरह से मैंने जो है 10 सिलाइयां और 10 रोज जो हैं इस तरह से कंप्लीट कर ली हैं। तो ये देखिए इस तरह से प्लेन जब आप डालते हैं तो भी ये डिज़ाइन जो है अच्छा लग रहा है।
अगर आपको इस ये डिज़ाइन ही पसंद आता है तो आपने पूरे कार्डिगन पूरे प्रोजेक्ट पर इसे ऊपर तक इसी तरह डाल सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन ऑल्टरनेट करना है तो अब हम देखिए ये वाला डिज़ाइन जो है वो प्लेन साइड पर डालेंगे और ये वाले साइड हम प्लेन इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम आधी पैटर्न पर पहुँच के अब हम अपना थोड़ा सा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे। डिज़ाइन सेम तरीके से पढ़ना है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे और यहाँ पे पहले डाल देंगे जाली, फिर एक फंदा हमने सीधा बनाना है और यहाँ पे देखिए इन तीन फंदों का हमने एक फंदा बनाना है जैसे हमने पहले बनाए हुए थे वैसे ही। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे पहले और फिर आगे वाले दो फंदों को इस तरह से साथ में बनाएंगे और फिर इस स्लिप किए हुए फंदे को इसके ऊपर पास कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे डिज़ाइन डाल देना है तीन फंदों को एक करने करके। तो उसके आगे जो है एक फंदा जो है सीधा बना लेंगे, उसके बाद डालेंगे यहाँ पे जाली, फिर आगे के पांच फंदे देखिए सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे डालेंगे हम जाली, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदों को साथ में बना के इस स्लिप किए हुए फंदे को हम पास कर देंगे। आगे वाले फंदे को बनाएंगे सीधा, एक डालेंगे यहाँ जाली, पांच फंदे बनाएंगे सीधे, इस तरह। पांच फंदे सीधे बनाने के बाद एक हम जाली डालेंगे यहाँ पे, एक फंदा बनाएंगे सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदों को इस तरह से इकट्ठा बनाएंगे और पास किए हुए फंदे को इस तरह से इसके ऊपर से पास कर देंगे स्लिप किए हुए फंदे को। आगे एक फंदा बनाएंगे हम सीधा और उसके बाद डालेंगे जाली और ये हमारा लास्ट में एड स्टिच हम सीधा बना लेंगे, ये देखिए। अब जो उल्टी सिलाई है वो हमने जैसे कि मैंने पहले ही बताया सारी की सारी उल्टी सिलाई जो है वो उल्टी बनानी है और जो हमने यहाँ पे ये 11th रो बनाई है वैसे ही हम 4 बार और इसे रिपीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरी 20 रोज जो हैं वो इस डिज़ाइन की कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए कितना प्यारा ये डिज़ाइन बनता जाता है। इन्हीं 20 रोज को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे और ये सुंदर सा डिज़ाइन बनाते जाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए थोड़ा सा बॉर्डर आप ज़रूर बनाइए क्योंकि ये डिज़ाइन जो है आपका थोड़ा सा सीधी साइड पे थोड़ा सा मुड़ता है, ये देखिए। और ये डिज़ाइन जो है आपकी कार्डिगन्स प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा तो बहुत ही सुंदर आपका प्रोजेक्ट जो है वो तैयार होगा। तो ये देखिए ये इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।